वेलकम बैक टू क्रिएटिंग मैजिक। आई होप आप सबका दिन काफी अच्छा जा रहा होगा, काफी पॉजिटिव जा रहा होगा। तो गाइज आज की वीडियो काफी शॉर्ट और सिंपल होगी, बट इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक ऐसी टिप शेयर करूंगी, एक ऐसी एडवाइस दूंगी आप लोगों को जिसकी मदद से आप इस 2020 के करंट सिचुएशन को, इस करंट ईयर को सर्वाइव कर सकते हैं। आप सब इस चीज से अग्री करेंगे कि क्या समय आया है 2020, ये ईयर क्या चढ़ा है। हर रोज एक नई बैड न्यूज, हर रोज एक नई ऐसी खबर जिसकी वजह से हमारे अंदर सिर्फ और ज्यादा नेगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा फियर क्रिएट हो रहा है। ऑलरेडी लॉकडाउन के पीरियड में होने की वजह से हम अपनी नॉर्मल रूटीन में नहीं है, हमारा दिमाग हर समय उन्हीं जगहों पर टिका हुआ है और उसकी वजह से और ज्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है लोगों में और ज्यादा फियर क्रिएट हो रहा है। हाँ, मुश्किल घड़ी जरूर है, बट इस घड़ी से भी आप निकलेंगे, ये घड़ी भी जरूर खत्म होगी। बट उससे पहले आपको अभी अपने दिमाग को सही रखना पड़ेगा, अभी अपने आप को फोकस रखना पड़ेगा ताकि आप अपनी लाइफ में वही चीजें अट्रैक्ट ना करें बल्कि अच्छी चीजें अट्रैक्ट करें। तो गाइस याद रखिए, अगर आप रोज सुबह उठ रहे हैं, अगर आपकी प्लेट में खाना है, अगर आपके पास पीने के लिए पानी है, अगर आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके वेल विशर दुनिया के किसी भी कोने में सही बट सही सलामत है, अगर आप आज के दिन का सूरज देख पा रहे हो, तो ये आपकी लाइफ में इस समय बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अभी करंट सिचुएशन के लिए अपने पास्ट को भूल जाइए, अपने आने वाले फ्यूचर को भी भूल जाइए। क्यों? क्योंकि आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग इस टाइम पे वो है जो आज आप, आज का दिन देख रहे हैं, जो आज की घड़ी आप बिता रहे हैं, जो आज के समय में आप अपने घर में सेफ है, हेल्दी है, इससे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए कोई नहीं होगी। तो गाइस इस एडवाइस को याद रखिए कि हर रोज सुबह उठकर और हर रात सोने से पहले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, आपको यूनिवर्स को थैंक यू देना है, आपको अपने भगवान को, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, आपको उनको थैंक यू देना है। और उसके बाद जो तीसरी चीज को आपको थैंक यू देना है वो है आपको खुद को, अपने आप को थैंक यू देना है। मैंने हमेशा अपनी हर वीडियो में यही बात कही है और आगे भी मैं आप लोगों को यही एडवाइस दूंगी, आपको यही सलाह दूंगी कि गाइस अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल होना सीख गए, अगर आप अपनी लाइफ में अपनी हर चीज के लिए, अपनी जिंदगी के हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एस्पेक्ट के लिए थैंक यू होना सीख गए, आपने सीख लिया कि ये जो जिंदगी आपको मिली है कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, ये कितना बड़ा तोहफा है आपको भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे हालातों में से निकल रहे हैं समय जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जो काफी डेवेस्टेटिंग है, जो दिल तोड़ने वाली चीजें हैं, बट हमारे पास जो भी है लाइफ में, अभी हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं, जिस भी हालात में जी रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और आपको अभी आने वाले दिनों में सिर्फ जो आज आप जिंदा हैं, अगर आप कल का सूरज देख पा रहे हैं, अगर आप कल खाना खा पा रहे हैं, अगर आपके पास पीने के लिए पानी है, तो आप बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं। हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा कि ग्रैटिट्यूड हर ब्लेसिंग को मल्टीप्लाई करता है। ग्रैटिट्यूड की वजह से आपका हर रुका हुआ काम शुरू हो जाता है और ग्रैटिट्यूड की वजह से आपकी लाइफ में इतनी सारी नई अपॉर्चुनिटीज आती है जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आपको सिर्फ यूनिवर्स को, भगवान को, अपने आप को थैंक यू बोलना है, आपको ग्रेटफुल होना है, और सिर्फ बोलना ही नहीं है गाइज, आपको वो फील भी करना है, वो महसूस भी करना है कि आप कितने शुक्र गुजार हैं जिंदगी के लिए। हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि वो इंसान तो हर समय खुश, पॉजिटिव हो सकता है, शुक्रगुजार हो सकता है, जिसकी लाइफ में सब सही चल रहा हो, सब अच्छा चल रहा हो, खुशियां हो, कोई इशू ना हो, बट उस ही इंसान को अपनी जिंदगी में सब कुछ मिलता है जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी पॉजिटिव रहना सीख सकता है, जो मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी कुछ ना कुछ थैंक यू होने के लिए, कुछ ना कुछ ग्रेटफुल होने के लिए ढूंढ सकता है। तो गाइज प्लीज इस एडवाइस को अपने अपने आप से बांध लीजिए, इस एडवाइस को आप जिंदगी भर अपनाइए। क्यों? क्योंकि ये एडवाइस सिर्फ आपका 2020 नहीं, आपके आने वाले हर साल, आपके आने वाली पूरी जिंदगी खूबसूरत और सिर्फ ब्लेसिंग से मल्टीप्लाई ही करके देगी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हमेशा याद रखिएगा कि बुरा वक्त जरूर निकलेगा, अच्छा समय था, बुरा समय था, सब समय आएंगे जाएंगे लाइफ में, ये आपके ऊपर है कि आप कितने ज्यादा कंसिस्टेंट है अपने इमोशन को लेकर, अपनी एनर्जी को लेकर, अपनी वाइब्रेशन को लेकर। अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट रखेंगे, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, अगर आप अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाएंगे, तो आपकी लाइफ खूबसूरत,
अपने आप हो जाएगी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।